फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पर्याप्ति। इफ यू डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व इनटू डेडली सिचुएशंस, प्लीज वॉच दिस एंटायर वीडियो। व्हाइल वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट दिखने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको शोल्डर बैक करना होगा, चिन अप करना होगा और डीप ब्रीदिंग करनी होगी। डीप ब्रीदिंग करने से आप पूरे एनवायरनमेंट को आसानी से देख सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। व्हाइल वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट मेक श्योर आप आई कांटेक्ट कर रहे हो, तो इससे आप उनको बता रहे हो यस आई हैव सीन यू। अगर आप आई कांटेक्ट नहीं करते हो तो उनको आप ये बता रहे हो कि यस यू आर इजी टारगेट टू अचीव एंड आपको वो धमकी आसानी से दे सकते हैं। तो जब भी आप वॉक कर रहे हो तो आप सबकी आंखों में देखने की कोशिश करो। व्हाइल वॉकिंग ऑन स्ट्रीट नोटिस पर्सन, फर्स्ट नोटिस पर्सन कौन आ रहा है आपके साइड से, एंड सेकंड नोटिस सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है कि आप उसको किस चीज़ में अपने यूज में ला के आप किसी भी पर्सन से खुद को डिफेंड कर लो। अगर कोई बंदा आपके पर्सनल स्पेस में आ जाता है तो आप कोई भी एक्शन लेने से डरे नहीं। इट्स आईएमपी टू हैव अ सेफ बाउंड्रीज। अगर सेफ बाउंड्रीज के अंदर कोई आके आपको अनसेफ, अनसिक्योर, अनकंफर्टेबल फील कराता है तो आप एक्शन ले, खुद को सेफ करें। सेल्फ डिफेंस में सबसे आईएमपी रोल होता है आपकी वॉइस का, आपकी आवाज का। आपने देखा होगा जानवर या इंसान कभी भी किसी को अपने कंट्रोल में करने के लिए ना अपनी वॉइस रेज कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी आवाज़ तेज हो जाती है तो सामने वाला सहम जाता है, डर जाता है, तो वो लो वॉइस में बात करता है और जो तेज आवाज़ में बात करता है तो ऐसा लगता है कि अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ही इज़ इन माई कंट्रोल। सो आप अपनी आवाज़ का इस्तेमाल करें जब आप चिल्लाते हैं हेल्प, स्टॉप, जोर, कुछ भी करके, तो इससे क्या होता है कि आप अटेंशन खींच रहे होते हैं सराउंडिंग का और साथ ही साथ आपको पोटेंशियल मिलता है कि आप उससे फाइट कर सकें। तो ऑलवेज use your voice in case if you are surrounded by attackers, तो आप अपने पैरों को हल्का करें और अपने पैरों को तेजी से move करें। तो आप जब move करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप एक बोलते ना easy target नहीं होंगे, तो अपने आप को फटाफट move करें और side side निकलते रहिए। Second, अगर आप surrounded हैं attacker से तो आप attacker और अपने बीच में किसी भी object का use as a shield करें, तो इससे क्या होगा कि अटैकर्स आपके ऊपर डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, आपको उस मतलब उनको उस शील्ड से होके गुजरना पड़ेगा। एंड थर्ड, इफ यू आर ऑन द फ्लोर सो बिहेव लाइक अ डेड वेट। डेड वेट मींस जो डेड बॉडी होती है ना, उसमें कोई भी जान नहीं होती, तो उसको उठाने में बहुत प्रॉब्लम होती। क्यों? क्योंकि उसका कोई मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब आप फ्लोर पे हो और कोई अटैकर्स आपको खींचने की कोशिश कर रहा है, आपको सीट के लेके जाने की कोशिश कर रहा है, तो डेड वेट का सीन क्रिएट करें लाइक, तो उससे क्या होगा उसको उठाने में घसीटने में बहुत ही दिक्कत होगी। तो आप मे बी आपको इतना टाइम मिल जाए कि आप उस एनवायरनमेंट से सेफली निकल जाएं। सराउंडेड हैं अटैकर से तो आपको वीक पॉइंट्स पता होने चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ अटैक करना है, कि आप अपने नकल्स, पाम, फिस्ट किससे आप उनको इजीली अटैक कर सकते हो। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है, आप चेक कर सकते हो। तब तक आप इन चीज़ों का यूज़ करें और सेफ रहें। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।